आरबीआई बैंक जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। लेकिन क्या आप जानते हैं आरबीआई बैंक ने एक नया नियम लागू किया है, वो कौन सा नियम लागू किया है ये सभी भारतीय के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरबीआई बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सा नया नियम लागू किया है, ये बात सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई के मुताबिक लोन अमाउंट में दंडात्मक शुल्क पैनल चार्ज के संबंध में 1 जनवरी 2024 से बदलाव होगा, यानी ये नया नियम आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड सभी बैंकिंग में लागू होगा। इस नए नियम के अनुसार किसी चल या अचल संपत्ति के मूल दस्तावेज उत संपत्ति के लिए गए ऋण की पूरी चुकौती के 30 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे। देरी के मामले में संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹5,000 प्रतिदिन का मुआवजा लागू होगा। यानी जो भी व्यक्ति लोन उठाया या फिर अचल संपत्ति के लिए या फिर मूल संपत्ति के लिए जो भी चीज़ का लोन उठाया उसको समय पर भरना होगा, यानी जो भी ऋणी है उसको समय पर भरना होगा। अगर वो समय पर नहीं भरेगा, 30 दिन के भीतर नहीं जारी किया जाएगा तो उससे ₹5,000 प्रतिदिन का मुआवजा लगेगा। इससे पहले ऐसा नहीं था, जो भी लोग लोन उठाते थे या फिर ऋणी होते थे तो उन्होंने 30 दिन के बाद हो या फिर 40 दिन के बाद हो अपने मर्जी से वो दस्तावेज जारी करते थे जिसमें उसको शुल्क कोई नहीं लगता था। लेकिन इसी कारण से आरबीआई बैंक ने नया नियम लागू किया है। अब जो भी व्यक्ति 30 दिनों के भीतर जारी नहीं किया जाएगा उन पर ₹5,000 प्रतिदिन का मुआवजा लगेगा। इसी को देखते हुए आरबीआई बैंक ने ये जारी किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।